हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आया है। गाइस, ये नॉर्मल रिक्रूटमेंट है, ना ही ये स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट है और ना ही इसके अंदर स्पोर्ट्स वैकेंसी रिजर्व्ड आई है, ना ही इसके अंदर स्पोर्ट्स पर्सन को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो गाइस, ये सिर्फ ओनली फॉर नॉर्मल रिक्रूटमेंट है। इसके अंदर नॉर्मल कैंडिडेट भी और स्पोर्ट्स पर्सन भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसकी अप्लाई क्रिया क्या रहने वाली है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, क्या एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है, प्लस क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है। उसी ब्याप पे गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इसके अंदर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। क्या सैलरी पैकेज रहने वाला है, टोटल कितना वैकेंसी निकल के है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, यदि गाइस इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, ऑल गाइस हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल जेन्युइन वीडियो लाता हूं। तो गाइस, बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये अपनी डिस्ट्रिक्ट पलवल की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आया है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट पलवल इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर दी फ्लोइंग वैकेंसी प्योरली। तो गाइस, ये ऑन एडेप्ट बेसिक्स पे रहने वाली, जिसके अंदर आपका जो सैलरी पैकेज है 25,500 तक इसके अंदर आपका सैलरी पैकेज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है प्योरली ऑन एडेप्ट बेसिक्स पे है। ठीक है, पोस्ट की बात करें तो गाइस इसके अंदर क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड एंड ड्राइवर का पोस्ट निकल के आए, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं क्लर्क की बात करें तो आप 22 इसके अंदर पोस्ट निकल के आई है, जो कि कैटेगरी वाइज गाइस वैकेंसी बांट रखी है, जैसे कि जनरल के अंदर 10, एससी ऑफ हरियाणा के अंदर 3, बीएससी ऑफ हरियाणा बीसीए, बीसीबी, जैसे बीसीए में बीसी के अंदर दो कैटेगरी आती गाइस, बीसीए और बीसीबी। ठीक है, तो टू वैकेंसी है। तो गाइस अब की बार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल की तरफ से अब की बार वैकेंसी भी बहुत बढ़िया निकल के आई, टोटल गाइस 37 वैकेंसी रिजर्व्ड आई है। एंड गाइस सभी कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं वैकेंसी अब की बार निकल के आई है। एंड स्टेनोग्राफर के अंदर थर्ड के अंदर बात कर तो 13 पोस्ट निकल के आई है, ड्राइवर के अंदर 2 पोस्ट निकल के गाइस आप देख सकते हैं। तो गाइस इसके अंदर कलर के अंदर, स्टेनोग्राफर के अंदर, ड्राइवर के अंदर, तीनों पोस्टों के अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग है। एंड गाइस अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप देख सकते हैं क्लर्क के अंदर कैंडिडेट वो पोजिस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स। तो गाइस आपने ग्रेजुएशन आपने पास कर रखी है, साथ में आपका कंप्यूटर का नॉलेज है। ठीक है, तो क्लर्क पोस्ट से गाइस आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्लर्क की पोस्ट है, तो कंप्यूटर का काम तो गाइस इसके अंदर होने ही वाला है। बट गाइस आपने ग्रेजुएशन आपने पास कर रखी है, बीए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, तो भी गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बट ये होना चाहिए कि आपने पास्ट आपके पास मार्क्सशीट एंड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो ही गाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज स्टेनोग्राफ थर्ड के अंदर भी गाइज आपने ग्रेजुएशन आपने पास्ट कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं दी कैंडिडेट हैज टू पास ए टेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 20 वर्ड्स पर मिनट इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सेम। एंड ड्राइवर की बात करें तो गाइज आपने द कैंडिडेट शुड बी एटलीस्ट मिडिल पास विद पंजाबी हिंदी। तो गाइज आपने 8th पास्ट कर रखी तो भी गाइज आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट शुड पोजीज ए वैलिड लाइसेंस फॉर LTD। तो गाइस आपके पास लाइट मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस भी है तो भी गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करें एज लिमिट क्राइटेरिया की, तो 18 से लेकर 42 साल तक गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस आपको मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया, कलर के अंदर आपने ग्रेजुएशन आपने पास कर रखी है एंड कंप्यूटर का नॉलेज है तो गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के अंदर गाइस सेम है, आपको आपने ग्रेजुएशन आपने पास कर रखी है और एंड आपका इसके अंदर स्किल टेस्ट होने वाला है स्टेनोग्राफर के अंदर, जो कि कैंडिडेट हैज टू पास ए टेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। तो गाइस के अंदर आपका स्किल टेस्ट होगा। ड्राइवर का आप देख सकते हैं आपने खाली 8 पास भी कर रखे तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट गाइस आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होना चाहिए। एज लिमिट क्राइटेरिया गाइस आपको मैंने अभी बताया 18 से लेकर 42 साल तक रहने वाला है। एंड गाइस अब बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो आप देख सकते हैं क्लर्क के अंदर दी सिलेक्शन फॉर दी पोस्ट ऑफ क्लर्क विल बी मेड ऑन दी बेसिक ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इन सब्जेक्ट ऑफ। तो गाइस इसके अंदर आपका रिटन होगा क्लर्क के अंदर, जो कि इंग्लिश कंपोजिशन जनरल नॉलेज कंसिस्टेंटली ऑफ 50 मार्क्स ईच। नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस ही शी ऑब्टेन 40% मार्क्स इन एग्रीगेट 33 क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इन द रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आप देख सकते हैं। एंड स्टेनोग्राफर के अंदर गाइस इसके अंदर आपका रिटन होगा, देन गाइस इसके अंदर आपका स्किल टेस्ट होगा। एंड ड्राइवर की बात करें तो रिटन टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिर गाइस देन आपका एंट्री इसके अंदर होने वाला है। एज पर द डिसीजन ऑफ सिलेक्शन कमिटी टू चेक द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ड्राइविंग स्किल्स रूल साइंस फाइनल सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन ड्राइविंग स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो गाइस इसके अंदर आप देख सकते हैं आपसे
स्किल इंटरव्यू के दौरान आपसे स्किल के बारे में, जब आप ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा, फिर आपसे रूल्स पूछे जाएंगे, कौन कौन से साइन होते हैं जो अपने ट्रैफिक को हम जब फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें गाइस बेसिक है जो कि आपको पता भी होनी चाहिए और पता भी होगी। तो वो भी गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डेट प्लेस ऑफ रिटन ड्राइविंग स्किल टेस्ट, दी कैंडिडेट वो विश टू अपियर फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क स्टेनोग्राफ थर्ड ड्राइवर आर डायरेक्टर रेगुलरली चेक दी वेबसाइट। तो गाइस इसके अंदर जो आपका रिटन और ड्राइविंग स्किल टेस्ट का जो डेट है, प्लेस है, तो गाइस इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चेक करते रहना है, ताकि आपको रिटन या ड्राइविंग स्किल टेस्ट आप शॉर्टलिस्ट होते तो गाइस आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी गाइस लास्ट जो डेट है 31 मार्च 2024 है। तो गाइस ये इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग दी सेट पोस्ट, तो गाइस ये इंस्ट्रक्शन आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। तो गाइस इसकी अप्लाई करिए ऑफलाइन है, तो गाइस आपको फॉर्म जो भेजना है, जो कि आप देख सकते हैं ऑल कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू सेंड देयर एप्लीकेशन मेंशन एड्रेस ऑन दी एनवलप दी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पलवल। तो गाइज यहाँ पे आपको भेजना है जो कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऊपर लिखना है टॉप एलोलम पे कि ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो या क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो या स्टेनोग्राफर थर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये लिखना है, ठीक है। तो गाइज आप बाय हैंड या बाय पोस्ट आप इसके माध्यम से आप पहुँचा सकते हैं डाक के माध्यम से, जिसकी लास्ट डेट गाइज 31 मार्च 2024 है दी लास्ट डेट डेडलाइन फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर दी एडवर्टाइज पोस्ट प्योरली ऑन एडॉक बेस। एंड गाइज ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, ऑन एन एडॉक बेस पे गाइज ये रहने वाली है, जिसकी लास्ट डेट गाइज 31 मार्च 2024 है 5 बजे से पहले गाइज आपको फॉर्म सेंड कर देना है। दी नंबर ऑफ वैकेंसी में वेरी डिपेंडिंग ऑन द रिक्रूटमेंट एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। तो गाइज ये इंस्ट्रक्शन से आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। तो गाइज ये एप्लीकेशन फॉर्म है, बिल्कुल ईजी है। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एज क्राइटेरिया, जेंडर मेल एंड फीमेल, नेशनलिटी, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, तो गाइज सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको A4 प्रिंट में साइज ये वाला पेज निकलवा लेना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच करके आपको सेंड कर देने हैं। जो कि गाइस डॉक्यूमेंट की बात करें तो गाइस आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड गाइस आपके पास एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हो तो भी गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो गाइस आपको वो एक्सपीरियंस भी सेंड करना है, एंड कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एंड गाइस आपका लाइसेंस का भी, एंड जो ड्राइवर के लिए अप्लाई करे जो कैंडिडेट उनको लाइसेंस भी भेजना है, ठीक है, एंड एक एनवेलप और साथ में भेजना है जिसके ऊपर पूरा डाक का पता लिखा हो, 10 रुपये की टिकट लगा के लिफाफा भेजना है, ठीक है। तो गाइस ये सारे डॉक्यूमेंट करके आपको सेंड है बाय पोस्ट या बाय हैंड आप वहाँ पहुँचा सकते हैं। आपको मैंने बताया भी कि कहां पे आपको पहुंचाना है। तो गाइस आपको मैं दोबारा रिकैप कर देता हूं, गाइस इसकी अप्लाई करिए ऑफलाइन है, लास्ट डेट इसकी 31 मार्च 2024 है, एज लिमिट क्राइटेरिया गाइस सभी पदों के अंदर क्लर्क स्टेनोग्राफ एंड ड्राइवर के अंदर 18 से लेकर 42 साल तक गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन गाइस ड्राइवर के लिए 8th पास है तो गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर के लिए तो गाइस आपको ग्रेजुएशन आपने पास कर रखी है और एंड कंप्यूटर का नॉलेज है तो गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो तीनों पदों के अंदर गाइस 25,500 से स्टार्ट इसके अंदर होने वाला है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 37 वैकेंसी गाइस इसमें रिजर्व आई है। एंड गाइस बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो गाइस आपका रिटन होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, एंड ड्राइवर के लिए गाइस आपका रिटन, देन फिर आपका स्किल टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू इसके अंदर होने वाला है ड्राइवर के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो गाइस ये सारे आपको मैंने बता दी। इसके अलावा फिर भी कोई और डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एंड गाइस इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो किसी बात आप इसके अंदर अप्लाई करें, एंड जो एलिजिबल नहीं है वो इसके अंदर अप्लाई ना करें। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए। एंड गाइस साइड में बेल आइकन है, इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पर पहुंचे। एंड गाइस एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स। तो गाइस इस चैनल पर गाइस आपको टाइम टू टाइम रिलेटेड पूरा अपडेट दिया जाता है, तो गाइस आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं स्पोर्ट कोटा जॉब्स, आपको शो हो जाएगा। हालांकि गाइस वहाँ शो नहीं होता है तो गाइस आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन गाइस इसका लिंक दे दिया जाएगा। सरलता पर ध्यान पूरा कुछ नहीं करना, इस लिंक पे क्लिक करना, इस चैनल से भी जुड़ जाएंगे। तो गाइस इस चैनल पे भी प्यार दिखाएं। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड गाइस ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी गाइस आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो गाइस कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन फॉर्म गाइस इसी में उपलब्ध है, कहीं नियर बाय जाने की जरूरत नहीं है, कहीं 25-20 रुपए के देने की जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं करना, बस इस पेज को निकलवा लेना, लास्ट पेज को गाइस आपको प्रिंट करवा लेना है A4 साइज में, ठीक है। तो गाइस एप्लीकेशन फॉर्म है ये, आपको सारे फॉर्म अटैच करके आपको मैंने बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।